हेलो गाइस, दिस इज हिमांशु एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, इस वीडियो में हम लोग SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में देखने वाले हैं। SPI यानी कि सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। गाइस, ये भी एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके हमारे सेंसर्स डेटा ट्रांसमिट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में। उसमें मैंने आपको I2C के बारे में एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी कि I2C कम्युनिकेशन क्या होता है, I2C को यूज करके कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। इस वीडियो में हम लोग SPI कम्युनिकेशन के बारे में एकदम डिटेल में देखेंगे कि SPI कम्युनिकेशन क्या होता है, SPI को यूज करके कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है सेंसर्स और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी चीजें SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। गाइज, यहाँ पर हम लोग SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में 4 वायर का यूज करते हैं मास्टर से डेटा ट्रांसफर करने के लिए स्लेव को, या फिर स्लेव से डेटा ट्रांसफर करने के लिए मास्टर को। गाइज, यहाँ पर भी जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसे मास्टर कहा जाता है और जो डिवाइस होता है उसे स्लेव कहा जाता है। अब यहाँ पर हम इन 4 वायर्स के बारे में देखते हैं कि कौन से वायर्स है और इनका काम क्या है। तो सबसे पहला वायर है SCK। अब यहाँ पर SCK का मतलब है सीरियल क्लॉक, दैट मीन्स ये क्लॉक पल्स को जनरेट करेगा। आफ्टर दैट MISO, दैट मीन्स मास्टर इन स्लेव आउट। अब यहाँ पर इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, मास्टर इन दैट मीन्स मास्टर डेटा को रीड करेगा और स्लेव आउट दैट मीन्स स्लेव डेटा को सेंड करेगा। तो क्या हो गया इसका मतलब कि इस वायर को यूज करके, ये MISO वायर को यूज करके स्लेव डेटा सेंड करेगा मास्टर को। आफ्टर दैट MOSI इज मास्टर आउट स्लेव इन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास्टर सेंड करेगा डेटा को इस वायर को यूज करके स्लेव को। आफ्टर दैट SS जो होता है स्लेव सिलेक्ट। गाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पिन है क्योंकि ये जो स्लेव सिलेक्ट होता है यही पिन अलाउ करता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मास्टर से स्लेव को या फिर स्लेव से मास्टर को। इस पिन का वैल्यू हमेशा लो होना चाहिए और अगर ये लो है तो ही ये डेटा को अलाउ करेगा एक दूसरे को सेंड करने को। और इनिशियली स्लेव सिलेक्ट का पिन जो रहता है वो हाई रहता है, तो जब ये हाई रहेगा तो डेटा पास ऑन नहीं हो सकता मास्टर से स्लेव को या फिर स्लेव से मास्टर को। तो ऐसा इन 4 वायर्स का कुछ फंक्शन है। अब गाइज, इसके बारे में एकदम डीपली हम देखेंगे कि ये 4 वायर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं इस क्लॉक पल्स के थ्रू, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में, SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में मल्टीपल स्लेव को कनेक्ट कर सकते हैं मास्टर के साथ। तो गाइज, ये है सबसे पहला मेथड। इस मेथड को यूज़ करके हम लोग मल्टीपल स्लेव कनेक्ट कर सकते हैं एक मास्टर से। गाइज, यहाँ पर नोट डाउन करने वाली चीज़ ये है, I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम लोग मल्टीपल मास्टर मल्टीपल स्लेव कनेक्ट कर सकते थे 2 ही वायर्स को, जो था SCL और SDL। बट यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ पर SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में आप बस एक ही मास्टर को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ एक ही मास्टर हो सकता है और स्लेव्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं कि आखिर कैसे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर 2 वायर तो नहीं होते, यहाँ पर 4 वायर को कैसे कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, इस मास्टर के अंदर भी एक SCK पिन होगा, तो ये SCK पिन हर एक स्लेव के SCK पिन को कनेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दैट MISO, तो ये MISO भी हर एक स्लेव के MISO पिन को कनेक्ट होगा। आफ्टर दैट MOSI भी हर एक स्लेव के MOSI को कनेक्ट होगा। देन आफ्टर दैट SS, दैट इज स्लेव सिलेक्ट। गाइज, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ सेंसर्स कनेक्ट होंगे उतने नंबर ऑफ पिन्स SS के लिए यहाँ पर यूज होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 स्लेव को कनेक्ट किया है, तो इसके लिए 3 स्लेव सिलेक्ट वाले वायर्स है यहाँ पर। अब यहाँ पर सीन क्या होगा, यहाँ पर स्लेव सिलेक्ट 1 जो कि इस फर्स्ट स्लेव को कनेक्टेड है, अब अगर इस मास्टर को इस स्लेव के साथ डेटा कम्युनिकेट करना है फर्स्ट स्लेव के साथ, तो क्या करेगा, वो इस स्लेव सिलेक्ट पिन को लो रखेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लो होगा यानी कि 0 होगा तो ही डेटा ट्रांसफर होगा मास्टर से स्लेव को। तो अब अगर ये 0 है और इन दोनों वायर्स का वैल्यू 1 है तो क्या होगा, मास्टर स्लेव 1 के साथ डेटा कम्युनिकेट करेगा। आफ्टर दैट अगर SS1 है, SS2 0 है और SS3 1 है, तो क्या होगा, SS2 0 है तो यहाँ पर ये इसके साथ डेटा कम्युनिकेट करेगा यानी कि स्लेव 2 के साथ डेटा कम्युनिकेट करेगा। और अगर जो SS3 पिन है, स्लेव सिलेक्ट 3 अगर 0 है और बाकी दोनों 1 है, तो वो इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा, स्लेव 3 के साथ वो डेटा कम्युनिकेट करेगा। तो ऐसे ये यहाँ पर मल्टीपल स्लेव को डिस्टिंग्विश करेगा और उसके साथ डेटा कम्युनिकेट करेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है एज़ कम्पेयर टू I2C, क्योंकि यहाँ पर डिवाइस एड्रेस ये सारी चीज़ें नहीं है।
सिर्फ स्लेव सिलेक्ट के वायर्स है, स्लेव सिलेक्ट के वायर्स को यूज़ करके आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो सेंसर्स को, डिवाइसेस को, और MISO को यूज़ करके आप डेटा रीड कर सकते हो, MOSI पिन को आप यूज़ करके डेटा सेंड कर सकते हो स्लेव को। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड मेथड है ये। अब गाइज यहाँ पर इसका ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि अगर हमें 3 से ज़्यादा स्लेव कनेक्ट करने हैं, हमें 10 स्लेव कनेक्ट करने हैं, हमें 20 स्लेव कनेक्ट करने हैं, तो उतने नंबर ऑफ SS पिन, उतने नंबर ऑफ स्लेव सिलेक्ट पिन भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर इस इशू को सॉल्व करना है, हमें यहाँ पर ज़्यादा पिंस नहीं यूज़ करने हैं, हमें कम से कम पिंस में ज़्यादा से ज़्यादा स्लेव को कनेक्ट करने हैं SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करके, तो उसके लिए एक और मेथड है जो है डेजी चैन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में आप 4 ही वायर को यूज़ करके आप जितने भी स्लेव्स को कनेक्ट करना है आप स्लेव्स को कनेक्ट कर सकते हो एक मास्टर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 4 ही वायर्स है और चारों वायर्स कनेक्टेड है हमारे स्लेव को। इसका कनेक्शन एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर SCK पिन, जो मास्टर का SCK पिन है, वो सारे SCK पिन को जा रहा है। यहाँ पर जो MOSI पिन है, मास्टर आउट स्लेव इन, ये क्या हो रहा है, ये मास्टर आउट स्लेव इन एक स्लेव के मास्टर आउट स्लेव इन को जा रहा है। बट जो इसका MISO पिन है यानी कि मास्टर इन स्लेव आउट, ये पिन यहाँ से निकल के दूसरे मास्टर आउट स्लेव इन को जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्लेव आउट पिन है यानी कि आउटपुट पिन जा रहा है स्लेव इनपुट पिन को, और यहाँ से स्लेव आउटपुट पिन जा रहा है स्लेव इनपुट पिन को, और यहाँ से जो स्लेव आउटपुट पिन है वो जा रहा है हमारे MISO को इस मास्टर के। तो यहाँ पर ऐसा कुछ कनेक्शन इसका होगा। एंड जो स्लेव सिलेक्ट पिन है वो तीनों को कनेक्टेड है एक ही कॉमन वायर के थ्रू। सो गाइस ये है डेजी चैन मेथड, जो एक और मेथड है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, जहाँ पर हम मल्टीपल स्लेव्स को एक मास्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अब हम ये दोनों मेथड के बारे में देखते हैं कि ये दोनों मेथड में आखिर डेटा कम्युनिकेशन है वो हो कैसे रहा है, कैसे डेटा पास ऑन होता है मास्टर से स्लेव को या फिर स्लेव से मास्टर को। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस मेथड के बारे में देख लेते हैं जो हमारा नॉर्मल मेथड है SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, और मोस्टली यही मेथड यूज होता है मल्टीपल स्लेव्स को कनेक्ट करने के लिए एक मास्टर से। तो इस मेथड में आखिर डेटा कम्युनिकेशन होता कैसे है वो देखते हैं। सो गाइज अब यहाँ पर नॉर्मल मेथड में डिपेंडिंग अपॉन क्लॉक पोलैरिटी एंड क्लॉक फेज, यहाँ पर 4 मोड्स है SPI कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। गाइज ये क्लॉक पोलैरिटी और क्लॉक फेज क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे आपको इन दोनों के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि यहाँ पर 4 मोड्स है, मोड 0, मोड 1, मोड 2, मोड 3। इन 4 मोड्स को यूज करके SPI कम्युनिकेशन एग्जीक्यूट होता है। तो अब सबसे पहले मोड 0 देखते हैं, मोड 0 में SPI कम्युनिकेशन आखिर होता कैसे है। सो मोड 0 गाइज यहाँ पर इस कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूँ, जहाँ पर एक मास्टर है और एक स्लेव है। इस मास्टर को डेटा सेंड करना है इस स्लेव को, और वो डेटा है 10101010। तो ये जो डेटा है वो आखिर सेंड कैसे होगा मोड 0 के अंदर वो देखते हैं। तो यहाँ पर मास्टर क्या करेगा, मास्टर सबसे पहले स्लेव सिलेक्ट पिन को कर देगा 0। तो जब ये पिन 0 होगा तभी हमारा डेटा कम्युनिकेशन हो पाएगा, डेटा सेंड हो सकता है मास्टर से स्लेव को या फिर स्लेव से मास्टर को। तो इनिशियली स्लेव सिलेक्ट का जो वैल्यू है वो 1 होता है, वो हाई होता है, और जब भी डेटा कम्युनिकेट करना होता है तब मास्टर उसे 0 कर देता है। तो यहाँ पर ये 1 से 0 हो गया, अब हमारा डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। तो जैसे ही डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होने जाएगा तो मास्टर क्लॉक पल्स जनरेट करने लगेगा, और वो क्लॉक पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट होता है SCK पिन को यूज़ करके। अब जो मैंने 2 टर्म्स आपको बताए, क्लॉक पोलैरिटी और क्लॉक फेज, क्लॉक पोलैरिटी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा SCK पिन है उसका इनिशियल वैल्यू 0 है। तो अगर SCK पिन का इनिशियल वैल्यू 0 है तब क्लॉक पोलैरिटी का वैल्यू होता है 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं SCK इनिशियली 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 0101 ऐसे कर करके वो क्लॉक पल्स को जनरेट कर रहा है। और क्लॉक फेज इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये डेटा कब सेंड हो रहा है, ये डेटा क्लॉक पल्स के राइजिंग एज पर सेंड हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइजिंग एज है, राइजिंग एज मतलब जो वैल्यू है वो 0 से 1 कब हो रही है। तो यहाँ पर ये 0 से 1 हो रही है, और इस राइजिंग एज पर जब डेटा सेंड होता है तब क्लॉक फेज का वैल्यू 0 होता है। तो दैट मीन्स जब भी क्लॉक फेज इज इक्वल टू 0 होगा तब जो डेटा सेंड हो रहा है वो राइजिंग एज पर सेंड हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये राइजिंग एज है, इस पर मैंने 1 को सेंड किया, फिर ये राइजिंग एज है इस पर मैंने 0 को सेंड किया, ये राइजिंग एज है इस पर 1 को सेंड हुआ है, ऐसे करते करते हर एक राइजिंग एज पर डेटा सेंड हो रहा है। और सेम वे में जब मुझे स्लेव से डेटा सेंड करना है मास्टर को तब भी यही प्रोसीजर कैरी ऑन होगा, जो हमारा राइजिंग एज है क्लॉक पल्स का उस पे स्लेव डेटा सेंड करेगा मास्टर को।
तो यहाँ पर MISO पिन से भी वैसे ही राइजिंग एज पे डेटा सेंड हो रहा होगा 101010। सो ये होता है क्लॉक पोलैरिटी और क्लॉक फेस का मतलब। अब मोड वन में देखते हैं, मोड वन में क्या होता है। मोड वन में क्लॉक पोलैरिटी जीरो है और क्लॉक फेस का वैल्यू वन है। तो क्लॉक पोलैरिटी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है, SCK पिन इनिशियली जीरो है और वो जीरो से वन होगा, फिर 0101 ऐसे करते करते क्लॉक पल्स जनरेट होगा। और क्लॉक फेज इज इक्वल टू वन, इसका मतलब क्या है, जो डेटा ट्रांसमिशन होगा वो एट द फॉलिंग एज ऑफ क्लॉक पल्स पे होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वन होके जब जीरो होने जा रहा है तब ये जो डेटा है वो सेंड हो रहा है। तो ये हो गया मोड वन। तो काफ़ी सिंपल है गाइस, बस इतना ही डिफरेंस है। मोड जीरो में क्या हो रहा है, एट द राइजिंग एज डेटा ट्रांसमिशन होता है। मोड वन में क्या होता है, एट द फॉलिंग एज पे डेटा ट्रांसमिशन होता है। अब मोड टू में देखते हैं, मोड टू में क्या है, क्लॉक पोलैरिटी इज वन एंड क्लॉक फेज इज जीरो। अब क्लॉक पोलैरिटी इज वन, इसका मतलब क्या है, जो सीरियल क्लॉक पिन है उसका इनिशियली वैल्यू वन होगा और वो वन से जाएगा जीरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वन है अब फिर जा रहा है जीरो, फिर वन जीरो, फिर ऐसे कर करके वो क्लॉक पल्स जनरेट कर रहा है। और क्लॉक फेज इज जीरो, तो इसका मतलब क्या है, एट द राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स डेटा सेंड होगा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव और फ्रॉम स्लेव टू मास्टर। तो सिंपल है ये। और मोड थ्री, यहाँ पर क्लॉक पोलैरिटी भी वन है और क्लॉक फेज भी वन है। तो क्लॉक पोलैरिटी वन, इसका मतलब जो सीरियल क्लॉक पिन है उसका इनिशियल वैल्यू वन है, वो वन से जीरो, जीरो से वन, फिर ऐसे करके क्लॉक पल्स जनरेट करेगा। और जो क्लॉक फेज है वो भी वन है, तो इसका मतलब एट द फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स, ये फॉलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स पे डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो गाइज ये है चार मोड, जिन चार मोड्स में SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एग्जीक्यूट होगा। तो गाइज ये जो मैंने कम्युनिकेशन एक्सप्लेन किया, ये तो हमारे इस नॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड के लिए था, जहां पर मल्टीपल स्लेव सिलेक्ट वायर्स होते हैं और इन स्लेव सिलेक्ट वायर को यूज करके हम लोग हर एक डिवाइस के साथ डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं एट वन टाइम। सो नाउ व्हाट अबाउट दिस डेजी चेन मेथड, यहां पर तो सिर्फ एक ही स्लेव सिलेक्ट वायर है, तो यहां पर कैसे डेटा कम्युनिकेशन होगा, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो मास्टर डेटा सेंड करेगा वो डेटा तीनों स्लेव को वो सेंड करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये तीन डेटा सेंड करना है, F3, DB, D3, ये हेक्साडेसिमल डेटा है, 8-bit डेटा है, ये डेटा मुझे सेंड करना है। तो ये डेटा कैसे सेंड होगा, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमेशा डेटा सेंड करने के लिए जो स्लेव सिलेक्ट वाला पिन है वो लो हो जाएगा, तो मास्टर स्लेव सिलेक्ट पिन को लो कर देगा। और जैसे ही स्लेव सिलेक्ट जीरो होगा, हमारा मास्टर सीरियल क्लॉक पिन को यूज करके क्लॉक पल्स जनरेट करना चालू कर देगा। अब क्लॉक पल्स जनरेट हो रहा है, तब क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट डेटा है D3, इस डेटा को वो 8 क्लॉक पल्स को यूज करके सेंड कर देगा हमारे पहले स्लेव को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो MOSI है, मास्टर आउट स्लेव इन, तो इस मास्टर आउट से डेटा सेंड होगा, जो फर्स्ट डेटा है वो सेंड होगा। यहाँ पर गाइज मैं 8-bit को डायरेक्टली सेंड कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ये एक एक करके एक एक बिट हर एक क्लॉक पल्स पे सेंड होगा स्लेव को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो D3 है इस मास्टर आउट स्लेव इन को यूज करके डेटा को सेंड करेगा और ये जाएगा MOSI, दैट इज मास्टर आउट स्लेव इन ऑफ दिस स्लेव, कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर फर्स्ट 8 क्लॉक पल्स पे ये जो फर्स्ट 8-bit डेटा था ये पूरा सेंड हो जाएगा हमारे फर्स्ट स्लेव को। आफ्टर दैट क्या होगा, जो नेक्स्ट 8 क्लॉक पल्स आएंगे, उन क्लॉक पल्स पे जो हमारा दूसरा डेटा है वो इस स्लेव को सेंड हो जाएगा, और इस स्लेव से जो ये डेटा है वो बाहर निकल के इस स्लेव को सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मास्टर इन स्लेव आउट है, तो इस स्लेव आउट से ये डेटा बाहर निकलेगा और इस स्लेव इन MOSI यहाँ से इस स्लेव को चला जाएगा। तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब क्या हो गया, हमारा जो नेक्स्ट 8-bit क्लॉक पल्स था उसमें जो सेकेंड डेटा है वो चला गया है अब स्लेव वन को, और जो फर्स्ट डेटा था वो अब चला गया है स्लेव टू को। अब थर्ड टाइम क्या होगा, जो अब नेक्स्ट 8 क्लॉक पल्स आएंगे, उस नेक्स्ट 8 क्लॉक पल्स पे ये जो हमारा थर्ड डेटा है ये चला जाएगा स्लेव वन को, और यहाँ पर जो स्लेव टू में डेटा है वो चला जाएगा स्लेव थ्री को, जो स्लेव वन में डेटा है वो चला जाएगा स्लेव टू को, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसने डेटा को MISO मास्टर इन स्लेव आउट इस पिन को यूज करके उसने डेटा को सेंड किया, और MOSI स्लेव इन इसको यूज करके इस स्लेव में वो डेटा चला गया। सो अब हमारे मास्टर से तीनों डेटा तीनों स्लेव्स में जा चुके हैं। अब ये तीनों स्लेव क्या करेंगे, ये तीनों स्लेव इन तीनों डेटा का रिस्पॉन्स
MISO मास्टर इन स्लेव आउट से सेंड कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला स्लेव इधर से डेटा को सेंड कर देगा। सिमिलरली इस वाले स्लेव को जो भी डेटा सेंड करना है तो वो पहले स्लेव 3 को डेटा सेंड करेगा, ये स्लेव 3 वापस से मास्टर को सेंड कर देगा। अगर स्लेव 1 को डेटा सेंड करना है तो ये पहले स्लेव 2 को सेंड करेगा, फिर वहाँ से 3 को जाएगा, फिर 3 से मास्टर को जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर सीरियली जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो रहा होगा फ्रॉम मास्टर टू स्लेव और फ्रॉम स्लेव टू मास्टर। तो गाइज ये भी काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ मुझे सिर्फ एक ही सेंसर के साथ, एक ही स्लेव के साथ डेटा कम्युनिकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्लेव 2 के साथ डेटा कम्युनिकेट करना है, तो तब मैं क्या करूँगा, ये दोनों स्लेव को जो मैं डेटा सेंड करूँगा वो होगा गार्बेज डेटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 000 ऐसा सेंड करूँगा, यहाँ पर भी 00 सेंड कर दूंगा और सिर्फ स्लेव 2 के लिए ही मैं एक वैलिड डेटा को सेंड करूँगा। तो ऐसे करके मैं सिर्फ स्लेव 2 से ही रिस्पॉन्स को ले पाऊँगा। तो ऐसे करके हम लोग तीनों स्लेव से सिर्फ इन 4 पिन को यूज़ करके डेटा को कम्युनिकेट कर सकते हैं SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में। सो गाइज ये था कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मैंने हर एक चीज़ को कवर किया है यहाँ पर, सारे मोड्स, डेजी चैन मेथड कैसे काम करता है, सब कुछ। सो गाइज आपने अभी देखा कि SPI कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे इसका फ्लो होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, कैसे हम लोग डेटा को रीड करते हैं हमारे सेंसर से। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। गाइज ये था इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट, कैसे हम लोग सेंसर्स को इंटरफेस करते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ और कैसे इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है, ये सारी चीजें हम लोग आने वाले वीडियोज में देखने वाले हैं। सो गाइज अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।